इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर चेंजेस जो मैक ओएस 14 सोनोमा में आए हैं। सबसे पहला बड़ा चेंज ये है कि अगर आप मल्टीपल विंडोज़ यूज़ करते हैं और आपको रेगुलरली डेस्कटॉप पे जाना पड़ता है तो आपको बहुत सारे टैब्स एक साथ हटाने पड़ते हैं, और इसमें आपको फ़ायदा इस चीज़ का मिलेगा कि अगर आप साइड में जहाँ भी डेस्कटॉप दिख रहा है अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे ऐप हट जाएंगे और आप कोई भी स्क्रीनशॉट या कुछ भी कॉपी कर सकते हैं और वापस क्लिक करेंगे तो वो चीज़ वापस आ जाएगी। इससे रिलेटेड सेटिंग्स हमें मिलेंगी डेस्कटॉप एंड डॉक्स में। हम उसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे डेस्कटॉप एंड स्टेज मैनेजर आएगा। उससे रिलेटेड हमें तीन डिटेल्स मिलेंगी, ऑन डेस्कटॉप, इन स्टेज मैनेजर एंड हमें ये चीज़ यूज़ कहाँ करनी है, ऑलवेज़ या इन स्टेज मैनेजर। तो जैसे ही मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ तो डेस्कटॉप के जितने आइकन हैं वो सारे गायब हो जाएंगे, और वो आइकन सिर्फ तब दिखेंगे जब हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और बाकी टाइम वो हिडन रहेंगे। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ अभी के लिए, और अगर हम यहाँ से स्टेज मैनेजर पर क्लिक करते हैं तो ये वाला फंक्शन जो है काम नहीं करेगा। अगर हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो सारे टैब्स नहीं हटेंगे अनटिल एंड अनलेस हम स्टेज मैनेजर को ऑन नहीं करते। तो स्टेज मैनेजर को ऑन करते हैं तो इस तरीके से हमें आइकन्स नहीं दिखेंगे, और जैसे ही हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे सारे ऐप साइड में हो जाएंगे एंड हमें डेस्कटॉप दिख जाएगा। इसे ऑफ करते ही ये फीचर काम नहीं करेगा। तो सेकेंड मेजर चेंज ये है कि आप किसी भी वेबसाइट का आप एक ऐप बना सकते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं। आप सफारी पे जाइए, उसमें कुछ भी सर्च करिए, जैसे मैंने एप्पल सर्च करा है। इसमें आप शेयर पे जाइए, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टू डॉक। हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें तीन फील्ड्स मिलेंगी, नेम, लिंक एंड आइकन। नेम हम कुछ भी डाल सकते हैं, देन आइकन हम कस्टम डाल सकते हैं। जैसे मैं ये इमोजी सेलेक्ट करता हूँ, चूज़ करता हूँ इसको, एंड देन जब मैं इसे ऐड करूँगा तो ये मेरे डॉक में आ जाएगा। तो मुझे अब इसको बार बार सफारी पे जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट जैसे ही इस ऐप पे क्लिक करूँगा तो ये अपने आप मेरा खुल जाएगा और मैं इसे ऐप की तरह कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे सफारी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक ऐप की तरह ही काम करेगा रेदर देन वेबसाइट। और अगर मैं सर्च भी करता हूँ तो वहाँ पर लिखा आएगा ओपन इन वेब ऐप, क्योंकि हम इसका एक ऐप बना चुके हैं, तो वो सजेस्ट करेगा कि हम ऐप को यूज़ करें। तो नेक्स्ट मेजर चेंज ये है कि पहले जो विजिट्स हम साइड बार में लेते थे नोटिफिकेशन में, अब वो वहाँ तक नहीं, अब हम उन्हें डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। हम उसे जाके ला सकते हैं और डेस्कटॉप पे कोई भी विजिट यूज़ कर सकते हैं या शिफ्ट कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं वापस। तो यहाँ से हमें बस उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और हमारे वो डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, हम उसे किसी भी तरीके से अरेंज करके यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इस चीज़ को सिर्फ नोटिफिकेशन वाले पैनल में ही एक्सेस कर सकते थे, पर अब हम इसे डेस्कटॉप पर भी कर पाएंगे। नेक्स्ट मेजर चेंज ये है कि जैसे हम फ्लाई से ऐप स्विच करते थे, अब हम उसी फ्लाई में ऐप को एडिट भी कर सकते हैं। तो हम ऐप स्विच करने के लिए कमांड टैब दबाते थे, तो हमें कमांड दबाना है, देन हम टैब दबाएंगे तो हम स्विच करेंगे, और हमें बिना कमांड रिलीज़ किए अगर हम क्यू दबाएंगे तो वो वाला ऐप क्विट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी ऐप कभी भी रिमूव कर सकते हैं बिना उस ऐप को खोले। और आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे उसके अंदर जो डॉट मेंशन होती है कि वो ऐप ओपन है, वो चीज़ भी साथ साथ गायब हो रही है। अब जो नेक्स्ट मेजर चेंज है वो है बैकग्राउंड। एप्पल ने बहुत सारे नए बैकग्राउंड्स ऐड करे हैं और बहुत सारे डायनेमिक बैकग्राउंड्स ऐड करे हैं जो वीडियोस एंड फ़ोटोज़ का कॉम्बिनेशन रहेगा। जितने भी ये वीडियो वाले आइकन वाले हैं ये ऐड हुए हैं नए, और जैसे कि हमें दिख रहा है कि यहाँ 61 लैंडस्केप्स के हैं, सिटीस्केप्स के 30 हैं, अंडर वाटर के 31 हैं, अर्थ के 22 हैं एंड शफल एरियल्स के 5 हैं। तो ये सारे नए ऐड हुए हैं और ये वीडियो वाले हैं। जैसे हम कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे तो वो चीज़ वहाँ डाउनलोड होनी शुरू होगी, थोड़ा सा टाइम लेगा, और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये स्क्रीन सेवर पे देना है या बाकी सारे स्पेसेस पे देना है, बाकी सारे स्पेसेस एज इन लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर। तो अगर हम शो इन ऑल स्पेसेस करते हैं तो वो बैकग्राउंड में भी दिखेगा, लॉक स्क्रीन पे भी दिखेगा, पर अगर हम सिर्फ स्क्रीन सेवर ऑन करते हैं तो वो स्क्रीन सेवर पे ही दिखेगा। तो इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये स्क्रीन सेवर पे या लॉक स्क्रीन पे है तो एक वीडियो की तरह एक्ट करेगा, बहुत धीमे धीमे एक फ़ोटो में कन्वर्ट हो जाएगा और फ्रीज़ हो जाएगा। और यही बाकी सारे वॉलपेपर्स के साथ भी है, आप किसी के साथ भी ये चीज़ टेस्ट कर सकते हैं। और ये वॉलपेपर्स आपको दोनों में मिल जाएंगे, स्क्रीन सेवर में भी एंड वॉलपेपर्स में भी। आप कहीं से भी जाके उनका सेलेक्ट कर सकते हैं और दोनों का अलग अलग भी लगा सकते हैं।
एंड जो लास्ट फीचर है वो एप्पल ने गेमिंग मोड ऐड करा है। इस मोड में वो गेम को प्रायोरिटाइज करता है, बैकग्राउंड की सारी एक्टिविटी को सीज कर देता है जिससे हमें पीक परफॉर्मेंस मिल सके उस स्पेसिफिक गेम में। तो इससे गेम हमारा बूस्ट हो जाएगा और CPU GPU जो है और बेटर काम करेंगे और हमारे प्रायोरिटी देंगे हमारे गेम को रेदर देन बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ को।